Assalamu alaikum and welcome back viewers to my another cooking vlog. तो आज मैं बनाने जा रही हूँ किडनी बीन सैलेड. इसके लिए हमें चाहिए किडनी बीन्स जो मैंने ओवरनाइट सोक किया था और मैंने इसको चार वेसल्स में सीटी दे दी थी. तो इसके लिए हमें चाहिए थोड़े कुकुम्बर्स, टोमेटोज एंड गाजर ग्रेटेड, और हमें चाहिए कोरिएंडर, पुदीना और ग्रीन चिलीज, और हमें सीजनिंग के लिए चाहिए हमें ऑलिव ऑयल, टैमरिन पेस्ट, थोड़ा सा मैंने लिया है टैमरिन पेस्ट, और इसमें मैं लेमन भी ऐड कर रही हूँ, लाइम आधा सा बिकॉज इट गिव्स अ टैंजी फ्लेवर, और मैं यहाँ पे ले रही हूँ रेड चिल्ली फ्लेक्स, और चाहिए होगा हमें थोड़ा सा सॉल्ट और एक गार्लिक क्लोव, जस्ट वन, या वरना फिर तेज़ हो जाता है. तो फिर मैंने यहाँ पे ऐड किया है क्वार्टर स्पून ब्लैक पेपर और थोड़ा सा जीरा पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला. सब आप क्वार्टर चमचा ले लीजिए, क्वार्टर स्पून, और उसको अच्छे से मिक्स कीजिए. और ये हमारा सीजनिंग रेडी हो गया है, ये देख सकते हैं आप. हम ये इसको लास्ट में डालेंगे. और ये मैंने यहाँ पे पुदीना ऐड कर दिया है वेजीज में, और कोरिएंडर लीव्स, कोथिमीर और थोड़े से ग्रीन चिलीज एज़ पर योर टेस्ट. तो ये रेडी हैं हमारे बीन्स, किडनी बीन्स, और मैंने ब्लैक चिक पीस लिए हैं. तो मैंने इसको ऐड कर दिया है और ये मैं सीजनिंग डाल रही हूँ ऊपर से, और इसको अच्छे से टॉस दीजिए. और चिली आपके हिसाब से डालें, बिकॉज मैंने रेड चिली फ्लेक्स भी डाले हैं और ग्रीन चिलीज भी डाले हैं, बिकॉज आई लाइक द स्पाइसी एंड टैंजी फ्लेवर. तो इसको अच्छे से टॉस कीजिए और हमारा ये सैलेड बिल्कुल तैयार है. अगर आपको ये मेरी सैलेड की रेसिपी, किडनी बीन सैलेड की रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना. अंटिल देन, मा अस्सलामा.